दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, ए फ्री ऑनलाइन कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इस तरह का एनिमेटेड पावर पॉइंट कवर पेज कैसे बनाया जाता है। तो यदि आप चाहते हैं जानना, तो फिर इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखते रहें। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हम होम टैब पर क्लिक करते हैं और यह न्यू स्लाइड के ऑप्शन पर जाकर ब्लैंक पेज सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमारे सामने एक ब्लैंक पेज आ गया है। अब यह जो ब्लैंक पेज है, इस ब्लैंक पेज में यदि आप कलर देख रहे होंगे तो एक व्हाइट कलर का बैकग्राउंड आपको दिख रहा होगा, लेकिन हमें यहाँ पर इस बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस बैकग्राउंड के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और फिर फॉर्मेट बैकग्राउंड पर चले जाते हैं। यहाँ पर फिल का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें सॉलिड फिल चूज करना है जो कि इस समय बाय डिफॉल्ट चूज है। यह जो कलर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसके बगल में यह जो बाल्टी जैसा आइकन बना हुआ है, यहाँ से हम एक कलर ले लेते हैं और मान लीजिए हम इस कलर को चूज कर लेते हैं। अब यह जो बैकग्राउंड में हमारा जो नया कलर हमने सेलेक्ट किया हुआ था वह आ चुका है। अब हमें जरूरत होगी कि इस कलर के बैकग्राउंड की हमको इमेज मिल जाए। तो इसके लिए हम करते क्या है, फाइल के ऑप्शन पर जाते हैं और सेव एज ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। हम सेव एज ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं और सेव एज ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद ब्राउज के ऑप्शन पर हमको जाना है और हम डॉक्यूमेंट्स में यह जो पावर पॉइंट का बैकग्राउंड हमने बनाया हुआ है, इसको हम इमेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले फाइल नेम में जहां प्रेजेंटेशन 1 लिखा हुआ है, इसका हम नाम चेंज कर लेते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं इमेज 01 और सेव एज टाइप जहां पर दिया हुआ है, यहां जो नीचे की ओर एरो की बटन बनी हुई है, इस पर क्लिक करके हम JPEG फॉर्मेट में सेलेक्ट कर लेते हैं। JPEG फाइल का जो फॉर्मेट है, यह इमेज का फॉर्मेट होता है और इसको सेलेक्ट करने के बाद सेव की बटन पर हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर यह पूछ रहा है कि क्या आप पावर पॉइंट की जितनी भी स्लाइड है सभी स्लाइड को JPEG फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या जो स्लाइड आपने सेलेक्ट करके रखी है सिर्फ उसको। तो हम यहाँ चूज कर लेते हैं जस्ट दिस वन। यदि आपको आवश्यकता हो तो आपने जितनी भी स्लाइड बनाई हुई है, इस ऑल स्लाइड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी पावर पॉइंट की स्लाइड को इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं जस्ट दिस वन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगा। और जैसे ही हम जस्ट दिस फाइल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, हमारी यह जो बैकग्राउंड वाली फाइल है, यह इमेज में कन्वर्ट हो चुकी होगी। आइए अब एक बार हम उसको चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हम डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर जाते हैं और यहाँ पर देखिए इमेज 01 के नाम से यह एक इमेज बन चुकी है। इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और इसको बंद कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि यह जो सॉलिड फील वाला ऑप्शन है, इससे बैकग्राउंड को फिर से व्हाइट कलर का कर लेते हैं और यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देते हैं। यानी जो हमने फाइल को इमेज में कन्वर्ट किया हुआ था, वह फाइल अब हमारे सामने इमेज के रूप में आकर यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है। अब यह जो इमेज हमने कॉपी किया हुआ है, इस इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके कॉर्नर के हिस्से को क्लिक करके पावर पॉइंट की इस स्लाइड के कॉर्नर पर थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। यही कार्य दूसरे हिस्से के कॉर्नर को पकड़ के दोहरा लिया जाता है। अब आप देख रहे होंगे तो पहला ऑप्शन हमारे पास बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें आवश्यकता होगी यहाँ पर टेक्स्ट लिखने की। टेक्स्ट लिखने के लिए हम यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स का चयन कर लेते हैं और जहाँ भी आपको टेक्स्ट लिखना है वहाँ पर इसको ड्रैग करके छोड़ दें। आपका काफी समय बर्बाद न हो, इसके लिए हम पिछले स्लाइड से जो टाइटल हमने बनाया हुआ है उसको हम कॉपी कर लेते हैं। अब हमने इस टाइटल को कॉपी कर लिया है और यहाँ पर हम पेस्ट ऑप्शन में जाकर पेस्ट एज टेक्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमारा टाइटल यहाँ पर आ चुका है। इसके कलर को व्हाइट चूज कर लेते हैं और फॉन्ट को बदल लेते हैं। इसके बाद फॉन्ट की साइज को बड़ा कर दिया जाता है। ऐसा कर लेने के बाद सेव बॉक्स में जाकर नीचे बनी एरो की बटन पर
क्लिक करते हैं और यहाँ से लाइन वाले ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन लाइन का जो दिख रहा है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और अपनी जरूरत के आधार पर एक लाइन बना लेते हैं। लाइन सीधी बने इसके लिए अपने कीबोर्ड की शिफ्ट बटन को प्रेस करके और माउस के माध्यम से एक सीधी लाइन क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे यह जो लाइन है यह लाइन विजिबल नहीं है, वह दिखाई नहीं दे रही है या प्रॉपर दिखाई दे, इसके लिए हम फॉर्मेट ऑप्शन में जाते हैं और फॉर्मेट ऑप्शन में शेप आउट लाइन में जाकर और इसके कलर को हम व्हाइट कर लेते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार टेक्स्ट या लाइंस के कलर को चुन सकते हैं। मुझे यह जो लाइन है यह थोड़ी पतली दिखाई दे रही है तो इसके विड्थ को बढ़ाने के लिए हम शेप आउट लाइन में जाकर विड्थ ऑप्शन पर आकर यहां से इस ऑप्शन का चयन कर लेते हैं। अब हमें यह कुछ खूबसूरत दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहां पर जरूरत होगी एक सबटाइटल की, तो पिछले स्लाइड से हम सबटाइटल को कॉपी कर लेते हैं और यहां पर अपना सबटाइटल बना लेते हैं। इस सब टाइटल की साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया जाता है और इसके टेक्स्ट के टाइप को भी चेंज कर देते हैं, व्हाइट कलर का चयन कर लेते हैं। इसके बाद पावर पॉइंट की इमेज को कॉपी करके और यहां पर पेस्ट कर देते हैं। यदि आपके पास अपना कोई लोगो है तो आप अपना लोगो यहां लगा सकते हैं, आप अपनी कंपनी अपने फर्म का नाम यहाँ पर दे सकते हैं या फिर यदि आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आप अपनी क्लास का नाम दे सकते हैं। अब दोस्तों हर चीज का कलर तो ठीक दिखाई दे रहा है लेकिन यह जो इमेज हमने लगाई है इसका कलर थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसके कलर को भी हम चेंज कर लेते हैं। तो इसके कलर को चेंज करने के लिए इस इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं और फिर फॉर्मेट के ऑप्शन पर चले जाते हैं। यहाँ से आपको कलर का ऑप्शन मिल जाएगा और अपनी इच्छा अनुसार जो कलर आपको बेहतर लगता है आप यहाँ पर वह कलर सबमिट कर सकते हैं। मुझे यह कलर पसंद आ रहा है तो मैं इस कलर को लगा देता हूं। तो अब यह जो पावर पॉइंट का कवर पेज है आपके सामने बनकर तैयार हो चुका है। तो लग रहा है ना यह खूबसूरत सा कवर पेज। तो दोस्तों अब बारी है यहां पर एनिमेशन क्रिएट करने की। सबसे पहले हम पहले ऑप्शन का चयन करते हैं और इसके बाद एनिमेशन ऑप्शन में चले जाते हैं। यहाँ फ्लाई इन ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं और इफेक्ट ऑप्शन में जाकर फ्रॉम राइट को सेलेक्ट कर लिया जाता है। दूसरा एनिमेशन हमें इस लाइन के ऊपर अप्लाई करना है। यहाँ पर हम वाइप एनिमेशन को सेलेक्ट करते हैं, इफेक्ट ऑप्शन में फ्रॉम लेफ्ट चयन कर लिया जाता है। यह जो सब टाइटल बना हुआ है इस सब टाइटल को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर भी फ्लाई इन का ऑप्शन चयन कर लिया जाता है और फिर इफेक्ट ऑप्शन में जाकर फ्रॉम लेफ्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। यह जो आइकन बना हुआ है इस आइकन में जूम एनिमेशन को लगा लिया जाता है और लास्ट में एमएस ऑफिस पावर पॉइंट का यह जो ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पर एक बार फिर से फ्लाई इन एनिमेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं और इफेक्ट ऑप्शन में जाकर फ्रॉम लेफ्ट ले लिया जाता है। तो दोस्तों यदि आप देख रहे होंगे तो अब आपका एनिमेशन पूरी तरह से तैयार हो चुका है लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी कमी आपको नजर आ रही होगी। आइए अब उस कमी को भी दूर कर देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले होम ऑप्शन पर जाकर सेव बॉक्स में क्लिक करते हैं। सेव बॉक्स में रेक्टेंगल्स ऑप्शन में पहला ऑप्शन आपको मिल जाएगा रेक्टेंगल का, इस रेक्टेंगल का चयन कर लिया जाता है और एक बड़ा सा रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं। अब इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके फॉर्मेट ऑप्शन में जाना है और फॉर्मेट ऑप्शन में जाकर सेव फिल को सेलेक्ट करके इसका कलर व्हाइट कर देना है। सेव आउटलाइन में नो आउटलाइन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद एक बार फिर से होम ऑप्शन में जाकर सेव बॉक्स को सेलेक्ट करना है और रेक्टेंगल्स ऑप्शन में रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लेना है और एक दूसरा रेक्टेंगल तैयार कर लेना है। लेकिन हमको यह ध्यान देना है कि जो हमारी इमेज बनी हुई है यह रेक्टेंगल इस इमेज के बॉर्डर को क्रॉस करके आगे नहीं जाना चाहिए। अब इसकी साइज को हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। दोस्तों हमें रेक्टेंगल बनाते समय यह ध्यान रखना होगा कि यह जो टाइटल बना हुआ है इस टाइटल को हमारा यह जो रेक्टेंगल है यह पूरी तरह से कवर कर दे। इसके बाद
फॉर्मेट ऑप्शन में जाकर शेप आउटलाइन में जाकर नो आउटलाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद शेप फिल में हमें बैकग्राउंड के कलर का ही शेप लेना है, यानी जो हमने यह इमेज बनाई हुई है इसी इमेज का कलर हमको इसके अंदर फिल करना है। तो शेप फिल में जाकर आई ड्रॉपर टूल को सेलेक्ट करें और इसके बाद अपने इमेज के ऊपर कहीं भी क्लिक कर दें। यहाँ पर जो पहला रेक्टेंगल बना हुआ है उसका व्हाइट हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको आप बैक कर दें, इसको थोड़ा सा छोटा कर दें। इसके बाद जो दूसरा रेक्टेंगल हमने बनाया हुआ था उसके साइज को इस हिसाब से घटाते हैं कि हमारा टाइटल जहां समाप्त हो रहा है वहां तक यह रेक्टेंगल कवर कर ले। अब यह जो व्हाइट कलर का रेक्टेंगल था इसको कंट्रोल डी प्रेस करके एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं और ठीक सब टाइटल के सामने इस रेक्टेंगल को ले आकर रख दिया जाता है। इसके बाद जो ऊपरी लेयर में यह रेक्टेंगल बना हुआ है इस रेक्टेंगल को कंट्रोल डी प्रेस करके डुप्लीकेट ले लेते हैं और इसे यहाँ पर व्हाइट कलर के रेक्टेंगल के ऊपर लाकर रख दिया जाता है। इसके साइज को थोड़ा कम कर देते हैं और इसका एडजस्टमेंट ऐसे किया जाता है कि इमेज का बॉर्डर और इस रेक्टेंगल का लेफ्ट साइड का बॉर्डर सेम हो। दोस्तों आइए एक बार स्लाइड शो में अपने एनिमेशन को चेक कर लिया जाए। तो यहाँ पर आपने देखा यह जो हाउ टू क्रिएट कवर पेज था यह राइट साइड से इंटर होता है, लेकिन यहाँ पर दो लेयर लगी हुई है। पहली लेयर व्हाइट कलर की है जो कि नीचे की ओर है, उसके ठीक ऊपर बैकग्राउंड कलर की ही एक डुप्लीकेट लेयर ऊपर लगी हुई है, जिस कारण से कि जब यह हाउ टू क्रिएट कवर पेज टेक्स्ट का एनिमेशन शुरू हो रहा है तो यह एनिमेशन इन दोनों रेक्टेंगल से छिपता हुआ सामने चला जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो रेक्टेंगल बना हुआ था वह रेक्टेंगल इसी जगह तक था, इसलिए यहाँ से आपको यह टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। यानी यदि हम इसको और बेहतर करना चाहते हैं तो इसके लिए यह जो रेक्टेंगल हमने बनाया है इसके साइज को इंक्रीज करके इस टेक्स्ट के शुरुआती हिस्से तक लाकर छोड़ देते हैं। एक बार पुनः स्लाइड शो मोड में जाकर हम चेक करते हैं, अब हमारा यह जो स्लाइड शो है यह काफी खूबसूरत दिख रहा है। अब निचले हिस्से पर हमको एनिमेशन लगाना है। यहाँ पर हम इन दोनों रेक्टेंगल्स को फिर से कंट्रोल डी प्रेस करके कॉपी कर लेते हैं और इसे लाकर हम यहाँ पर रख देते हैं। चूंकि यह हमारी इमेज इस रेक्टेंगल के ऊपर आ रही है तो इस इमेज को सेलेक्ट करके इसके ऊपर अपने माउस की राइट की को प्रेस करें और उसके बाद ब्रिंग टू फॉन्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। ऐसा करते ही यह जो इमेज है यह ऊपर दिखने लगेगी और यह जो नया रेक्टेंगल बना है इस नए रेक्टेंगल में थोड़ी सी सेटिंग कर ली जाती है और अब हमारा यह जो पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन है यह पूरी तरह से तैयार हो चुका है। एनिमेशन ऑप्शन में जाते हैं और इसके बाद एनिमेशन पैन को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ से 2, 3, 4, 5 नीचे के चार एनिमेशन को सेलेक्ट करके और यहाँ से आफ्टर प्रीवियस सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमारा एनिमेशन पूरी तरह तैयार हो चुका है। जैसे ही हमने क्लिक किया यह एनिमेशन रेडी हो गया। तो है ना एक खूबसूरत सा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों मैं तो आपसे यही कहूंगा कि इस कवर पेज को एक बार बनाइए और जब आप इस कवर पेज को बनाते हैं बनाने के बाद जब आपने इसे अपने दोस्तों को दिखाया तो आपके दोस्तों ने क्या प्रतिक्रिया दी आप हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि भविष्य में भी इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे तो इसके लिए आपको हमारा YouTube चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और साथ में आपको बेल आइकन जरूर क्लिक करना चाहिए। इसका फायदा यह होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई नई वीडियो पोस्ट होगी तो उसका एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो के नीचे जो बनी हुई है लाइक की बटन उस पर कर दें एक जोरदार क्लिक और निश्चित रूप से आपके दोस्तों को आपके अपनों को इस वीडियो में दी गई जानकारी होनी ही चाहिए। तो यदि आप चाहते हैं यह जानकारी आपके दोस्तों तक पहुंचे आपके अपनों तक पहुंचे तो इस वीडियो के नीचे जो शेयर की बटन बनी है उस पर क्लिक करके अपने सोशल अकाउंट के साथ अपने दोस्तों अपने अपनों के साथ इस वीडियो को शेयर करें।
और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट के जरिए आप हमें जरूर बताएं कि आप हमारी इस वीडियो को देखकर, हमारे इस चैनल को देखकर कैसा महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, आप अपने कीमती समय में से समय निकालकर आप हमारी वीडियो को देखते हैं, इसके लिए हम आपके दिल से आभारी हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।